राजनीतिक दल भले ही कितने दावे करें, लेकिन वे कास्ट फैक्टर से जुड़ी राजनीति से उभरने का साहस नहीं कर पाते। चुनाव में प्रत्याशी बनाते वक्त आम राय शुमारी से लेकर अन्य बातों का ध्यान रखने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बात अक्सर उस सीट के जातिगत आंकड़ों पर जाकर टिक जाती है। राजस्थान में अलवर लोकसभा उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यादव बाहुल्य अलवर लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने डॉक्टर करण सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। अलवर सीट पर वर्ष 1977 से लेकर अब तक 11 लोकसभा चुनाव हुए और इनमें से 8 बार यादव प्रत्याशी बने। हालांकि इससे पहले इस सीट पर गैर यादव ही जीतते रहे। इनमें 1952 से 62 तक लगातार 2 लोकसभा उपचुनाव में बाबू शोभाराम, इसके बाद लाला काशीराम, 67 में मास्टर भोलानाथ और 1972 में हरि प्रसाद शर्मा जीते थे। 1972 में यादव समाज के प्रमुख नेता राव वीरेंद्र सिंह की बहन सुमित्रा बाई विशाल हरियाणा पार्टी से अलवर लोकसभा सीट से खड़ी हुई थी। उन्हें अलवर और हरियाणा से मिले जुले अहिरवाल इलाके के बल पर जीत की उम्मीद थी। सुमित्रा बाई पराजित हुई, हालांकि उन्हें 75,000 वोट मिले थे। इसके बाद अलवर सीट पर यादवों का वर्चस्व बढ़ने लगा। वर्ष 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने रामजी लाल यादव को मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के हरि प्रसाद शर्मा को 1,72,000 वोटों से हराया। इसके बाद 1980 और 84 में कांग्रेस के राम सिंह यादव, 89 में जनता दल के रामजी लाल यादव विजयी रहे। अगले 2 चुनाव गैर यादवों ने जीते। वर्ष 1991 में भाजपा उम्मीदवार महेंद्र कुमारी अलवर राजघराने के प्रभाव की वजह से जीतने में सफल रही। वहीं 96 में पूर्व केंद्रीय मंत्री नवल किशोर शर्मा विजयी रहे। हालांकि भाजपा उम्मीदवार जसवंत यादव पर उनकी जीत का अंतर करीब 2400 मतों का ही था। उधर 1998 में कांग्रेस के घासीराम यादव जीते और अगले ही साल 99 में भाजपा के जसवंत यादव को विजय मिली। वर्ष 2004 में कांग्रेस के करण सिंह यादव जीते। इसके बाद फिर राजघराने ने सफलता की कहानी दोहराई और महेंद्र कुमारी के बेटे जितेंद्र सिंह कांग्रेस टिकट पर कामयाब रहे। लेकिन वर्ष 2014 में यादव समुदाय के महंत चांदनाथ ने फिर से इस सीट पर यादवों का दबदबा बनाया। अब महंत चांदनाथ के निधन के चलते यहां होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन 77 के बाद से इस पार्टी ने यादव को ही टिकट दिया है। ऐसे में श्रम मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर जसवंत यादव पर फिर से दाव लगाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने भी डॉक्टर करण सिंह यादव को प्रत्याशी बनाकर भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अलवर में यादवों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, फिर भी यहां इस समुदाय के वोटर्स की तादाद करीब 3 लाख बताई जाती है। कुल मिलाकर अलवर पर लगा यादव सीट का ठप्पा जल्द हटता हुआ नजर नहीं आता।